हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं दिल्ली सरकार जी गाइस, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने क्या निर्णय लिया, तो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से प्रमोशन करने का अपने यहाँ के छात्रों का प्लानिंग बना लिया है जी गाइस, उन्होंने UGC के सारे फैसले को ठुकराते हुए अपने यहाँ सारी परीक्षाएँ रद्द करने का पूरी तरीके से प्लानिंग बना ली और ऑफिशियली मीडिया के सामने आके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अब अपने यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सबके एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं। तो आइए उनके कुछ जो अहम फैसले लिए हैं उसके बारे में बात करते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे गाइस आपको दिखाएं तो आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएँ रद्द, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। आप सभी को बता दें कि आज मनीष सिसोदिया जी ने पूरी तरीके से बहुत बड़ा फैसला लिया लाइव आकर के, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया कि हमारे अर्थात दिल्ली में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं सब जो है कैंसिल की जाएंगी। और ये UGC पर एक जो है कहने का मतलब UGC को ठुकरा दिया गया या UGC की पूरी तरीके से कर दी गई अवहेलना। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला लेते हुए अंतर्गत आने वाली सभी दिल्ली के अंतर्गत आने वाली सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ रद्द करने की घोषणा की है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी शामिल हैं, छात्रों को डिग्री उनके पूर्व के नंबर के आधार पर प्रदान किया जाए। अब आपको बता दें, जैसा दिल्ली कही जाती है भारत की दिल होती है, तो दिल में अगर छेद हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है गाइस यहां पे दिल्ली को लेकर के। तो आपको बता दें दिल्ली ही पूरी तरीके से UGC के खंडन कर दी। अब देखना है कि दूसरे स्टेट पर क्या सुनवाई होती है। आपको बता दें UGC की अब जो गाइडलाइन हो पूरी तरीके से चरमरा गई है, अब उसको फैसला अपना वापस लेना होगा एक या दो दिन में। आपको बता दें कि बहुत जल्दी UGC अपने फैसले पर फिर से विचार करके और नई गाइडलाइन जारी करके छात्रों के हित की बात करेगा। 100% श्योर है कि अब दिल्ली में अगर आवाज़ उठ गई है तो पूरी तरीके से पूरे देश में जाएगी। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के सभी विश्वविद्यालयों की फाइनल परीक्षाएं रद्द कर छात्रों के मूल्यांकन का कोई पैमाना तैयार कर डिग्री जल्द से जल्द देने के लिए कहा। कोरोना की वजह से परीक्षा लेना और डिग्री न देना अन्याय है, ये निर्णय राज्य विश्वविद्यालय के लिए कहीं ना कहीं लिया गया है। और आपको बता दें मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से क्या जो है मोदी जी को लेटर में लिखा, यहाँ पर आप देख पा रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस है दिल्ली का सचिवालय को लेकर के। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के दिशा निर्देश दिया है कि आखिरी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की लिखित ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाए। इन दिशा निर्देशों के कारण आज पूरे देश में लाखों युवाओं, अध्यापकों और अभिभावकों में बहुत रोष है। सबका मानना है कि ये निर्णय गलत है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। IIT NLU जैसे देश के नामी विश्वविद्यालयों ने अपने ही आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी है, अब आप समझ सकते हैं तो अन्य सभी विश्वविद्यालय भी डिग्री क्यों नहीं दे सकते। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने भी कोरोना के दौर में आंतरिक मूल्यांकन के जरिए बच्चों को डिग्री दी है। कोरोना जैसी अभूतपूर्व आपदा के समय अभूतपूर्व निर्णय लेने होंगे। इस दौरान सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की ज़िंदगी में कठिनाइयां दूर करें, विकट परिस्थितियों से जूझने की ताकत दें। और आपको बता दें इस विषय में दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों ने अपने विश्वविद्यालयों में समुचित दिशा निर्देश जारी कर सभी परीक्षाएँ रद्द करने के वैकल्पिक आधार पर छात्रों को डिग्री देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें केंद्रीय विश्वविद्यालय और मामले में जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है, यह निर्णय केंद्र सरकार को लेना होगा। तो पूरी तरीके से UGC की गाइडलाइन पर डिपेंड है अब क्या होगा जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनसे सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ रद्द करने का एक निवेदन किया है। अब देखना है कि क्या कौन से स्टेट पूरी तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय IP यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, DDU एवं अन्य सभी परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि इस बात पर दिल्ली विश्वविद्यालय को
दिल्ली विश्वविद्यालय करे तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कॉलेज स्कूल के बारे में फैसला केंद्र सरकार को लेना होगा। अब आपको बता दें कि पूरी बात दिल्ली ने अपनी कह दी है, अब सारी डिपेंड है बात केंद्र सरकार पे। मालूम है कि DU में 12 ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें दिल्ली सरकार 100% फंड करती है और 16 ऐसे महाविद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जिनमें दिल्ली सरकार जो है 5% जो है फंड करती है। हालांकि DU केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे में इन सभी के लिए केंद्र को ही फैसला लेना होगा। दिल्ली सरकार मानती है कि जो सेमेस्टर पढ़ाया नहीं गया है नहीं उसकी परीक्षा लेना सही नहीं। इसके साथ ही सिसोदिया जी ने पहले भी कह चुके थे यह कोरोना काल है और ये बड़े फैसले लेने का वक्त है, ऐसे में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगी कि सबकी जान बचाई जाए, न कि सबके जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे आके लाइव हैंडल किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने और वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम न कराने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें गाइस दिल्ली ने तो अहम फैसला ले लिया, अब देखना है कि अदर स्टेट के लिए क्या फैसला आता है। तो जैसा कि हमने सारी बात आपको इस वीडियो में बताया जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें आप मेरे साथ जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जिससे कि आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी आपका इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते चलते एक बार फिर से आप सबको टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।